दोस्तों शुरुआत हो गई है नए महीने जून की और टाइम आ गया है एप्स ऑफ दिस मंथ के न्यू एपिसोड का, जिसमें आज आपको मिलने वाले हैं पांच बढ़िया एप्लीकेशंस जो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो वो एप्लीकेशंस कौन से हैं जानने के लिए इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉय सिट चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी एप्लीकेशंस मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सारे एप्लीकेशंस ऑफिशियल हैं। सारे एप्लीकेशंस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो इस लिस्ट में पहला एप्लीकेशन है उसका नाम है ब्लर वॉलपेपर, और ये एप्लीकेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके होम स्क्रीन के वॉलपेपर पे हल्का फुल्का ब्लर सा इफेक्ट देखने को मिले, ताकि उनके जो आइकन है वो विजिबल रहे। तो ये एप्लीकेशन करता वही है कि डायरेक्टली आपके होम स्क्रीन के वॉलपेपर को जो आपने सेट किया हुआ है वो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में दिखेगा आपको, और नॉर्मली यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्लाइडर दिखेगा। जैसे आप इसको मूव करोगे तो हल्का फुल्का यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितना ब्लर इफेक्ट चाहते हो आपके वॉलपेपर पर उतना आप ऐड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर इस तरह से मूव करोगे तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस तक इसके एडजस्ट कर सकते हो कि आप कम ज़्यादा जितना रखना चाहो उतना एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें आप कलर तक अपने होम स्क्रीन के वॉलपेपर के चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे येलो है, तो अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा व्हाइट की तरह हो जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से अपने होम स्क्रीन के वॉलपेपर के कलर तक को चेंज कर सकते हो। बाकी चेंज करने के बाद से आपको नॉर्मली इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, और जैसे ही सेव होगा तो आप देख सकते हो कि आपके होम स्क्रीन के वॉलपेपर पर जो मेरा मिनियंस वाला वॉलपेपर था उसमें हल्का फुल्का यहाँ पे ब्लर सा इफेक्ट देखने को मिल जा रहा है, और काफ़ी हल्का फुल्का कलर भी डाउन हो गया है, जिसमें आइकन्स जो थे वो अब अच्छे तरीके से विजिबल हो रहे हैं। तो अगर आप भी अपने होम स्क्रीन के वॉलपेपर पर एक ब्लर सा इफेक्ट चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को एक बार जरूर ट्राई करना। जो इस लिस्ट में दूसरा एप्लीकेशन है उसका नाम है फेसमोजी कीबोर्ड, और इस कीबोर्ड में आपको बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो आपको नॉर्मली इसको ओपन करके सारे परमिशन ग्रांटेड करने के बाद से आपको एज अ डिफॉल्ट इस कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस कीबोर्ड को अपने डिफॉल्ट कीबोर्ड में सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का इस कीबोर्ड का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे थीम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, स्टीकर, यहाँ पे इमोजी और बहुत ऑप्शन आपको इस कीबोर्ड में मिल जाएंगे कस्टमाइजेशन से रिलेटेड। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे सही चीज लगा वो ये था कि आप अपना जो खुद का कीबोर्ड का थीम कस्टमाइज कर सकते हो, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फीचर मिल जाते हैं। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ड्रा वाला, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद से आपको नॉर्मली कोई सा भी एक वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेना है जो आप अपने कीबोर्ड के बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हो। तो वॉलपेपर ऐड करने के बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे टैप करोगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा लोडिंग कीबोर्ड, और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में कीज वाला, जिसमें आपको कोई सा भी एक कलर यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जैसे आप ब्लैक वाला सेलेक्ट करोगे तो आपके बैकग्राउंड में वो वॉलपेपर और जो पूरा कीबोर्ड का इंटरफेस है वो ब्लैक टाइप में दिखने लगेगा। फिर यहाँ पे एक लेंस वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको अच्छे खासे यहाँ पे एक इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप नॉर्मली कोई सा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पैसे वाले सेलेक्ट करोगे तो पैसे वाले में आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा पैसा उड़ रहा है, उस तरीके का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे टेक्स्ट में आओगे तो किस टाइप के आप फॉन्ट चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं ये फॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्लाइडर वाला, जिसमें अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो किस तरीके का इफेक्ट दिखे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा इफेक्ट वाला, जो कि आप अगर की प्रेस करते हो तो किस टाइप का आपको इफेक्ट चाहिए। तो आप नॉर्मली कोई सा भी आपको यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। बैटमैन के अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे एंग्री बर्ड का मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी की प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंग्री बर्ड उछलते कूदते आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे एक साउंड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप साउंड ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी ऐड करने के बाद से आपको नॉर्मली सेव पे टैप करना है, और जैसे ही आप सेव पे टैप करोगे तो आपका खुद का जो आपने कीबोर्ड कस्टमाइज किया है वो तैयार हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हो कि आपका कीबोर्ड यहाँ पे रेडी है, और जो भी आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे एक इफेक्ट देखने को मिलेगा एंग्री बर्ड वाला। और इसमें मुझे एक और चीज़ बढ़िया लगा जो इसकी इमोजी से रिलेटेड है। तो अगर आप इसकी इमोजी पे किसी भी इमोजी पे टैप की रहते हो तो आप एक बार में 99 इमोजी सेंड कर सकते हो, किसी भी कहीं भी कुछ भी पोस्ट कर रहे हो किसी को सेंड कर रहे हो तो एक बार में आप डायरेक्टली 99 इमोजी यहाँ पे सेंड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बस टैप किया हुआ है और डायरेक्टली यहाँ पे 99 इमोजी यहाँ पे वो ऐड कर गया। तो इस तरीके से ये कीबोर्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाता है, आप जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से इस कीबोर्ड को कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो। जो इस लिस्ट में तीसरा एप्लीकेशन है उसका नाम है रोटेशन मैनेजर, और ये एप्लीकेशन मुझे बहुत ही सही लगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन का यूज करके आप किसी इंडिविजुअल ऐप को नॉर्मली बस रोटेशन वाला परमिशन दे सकते हो कि वो लैंडस्केप मोड में रहेगा या पोर्ट्रेट मोड में रहेगा। इवन आपका जो डिफॉल्ट वाला रोटेशन जो सेटिंग है वो ऑफ भी रहे तब भी अच्छे से वर्क करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सारे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद से आप जिस भी परमिशन को यहाँ पे आप रोटेशन वाला परमिशन ग्रांटेड करते हो कि वो किस हिसाब से ओपन हो, तो उस हिसाब से वो ओपन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं
WhatsApp का दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे WhatsApp इनेबल करूँ तो WhatsApp पे जैसे ही मैं यहाँ पे इनेबल करूँगा तो कुछ इस तरीके के तीन ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लैंडस्केप पे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद से यहाँ पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये भी पूछेगा कि ये एप्लीकेशन किस हिसाब से ओपन हो, तो आप पोर्ट्रेट पे रहने देना, फिर यहाँ पे क्लोज पे टैप कर देना। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर WhatsApp को ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो लैंडस्केप मोड में चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आप किसी एक एप्लीकेशन को आप बस परमिशन वहाँ से ग्रांटेड कर सकते हो कि वो लैंडस्केप में हो या पोर्ट्रेट में हो। और यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपना जो रोटेशन वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑफ करके रखा है, उसके बावजूद भी वो सिंगल सिंगल एप्लीकेशन के परमिशन को ग्रांटेड करेगा और जिस हिसाब से आप चाहो उस हिसाब से वो रोटेशन को इनेबल करेगा। जो इस लिस्ट में चौथा एप्लीकेशन है उसका नाम है PicShot, और ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जो अपने फोटो में स्पायरल वाला इफेक्ट चाहते हैं, ड्रिप वाला इफेक्ट चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि कोई उसमें ज़्यादा एडिटिंग ना करना पड़े, नॉर्मली बस इफेक्ट ऐड हो जाए। तो ये एप्लीकेशन वही करता है, क्योंकि ये एक AI बेस्ड एप्लीकेशन है जो आपके ऑटोमेटिक फोटो को डिटेक्ट करके उसमें स्पायरल और ड्रिप वाला इफेक्ट ऐड कर देता है। तो अगर आप स्पायरल वाला इफेक्ट चाहते हो तो आपको नॉर्मली स्पायरल पे टैप करना है, गैलरी पे से किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिस पे आप स्पायरल वाला इफेक्ट चाहते हो। तो फोटो सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे स्पायरल के इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप नॉर्मली किसी भी स्पायरल पे टैप करते हो तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे वो इफेक्ट ऐड हो जाएगा आपके फोटो में। जैसे कि मैंने बोला कि AI बेस्ड है, तो आपको नॉर्मली आप इसको अपने हिसाब से जूम करके एडजस्ट कर लेना है जिस हिसाब से आप चाहो। तो नॉर्मली आप इसको जूम कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप जिस हिसाब से फोटो का मतलब फोटो का जो एंगल है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्पायरल इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, बहुत यहाँ पे स्पायरल इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो भी आपको जिस हिसाब से पसंद है आप उस हिसाब से यहाँ पे जूम करके ऐड कर सकते हो जो फोटो के हिसाब से काफ़ी सही लगे। बैकग्राउंड यहाँ पे आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, जो AI बेस्ड तरीके से ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा काफ़ी अच्छे तरीके से, पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे मोशन इफेक्ट आप दे सकते हो, चाहो तो आप जिस हिसाब से मोशन इफेक्ट थोड़ा देना चाहो फोटो में वो ऐड कर सकते हो। ब्लर ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो कि बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है वो ब्लर हो जाए, कुछ इस तरीके से आप इसमें ब्लर वाला भी इफेक्ट ऐड कर सकते हो। ड्रिप वाले में अगर आप फोटो ऐड करोगे तो आपको नीचे बहुत सारे ड्रिप के इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जो आप अगर उस पर टैप करोगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फोटो में ऑटोमेटिक वो इफेक्ट ऐड हो जाएगा, जो बहुत ही सही लगेगा। आपको बस अपने हिसाब से जूम यहाँ पे कर लेना है, कितना आप ड्रिप चाहते हो उस हिसाब से आपका ड्रिप वाला इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये काफ़ी सही है कि मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप नॉर्मली बस ऐड करते जाओ और ये ऑटोमेटिक अपने डिटेक्ट करके डायरेक्टली उस इफेक्ट को आपके फोटो में ऐड कर देगा। इसमें भी आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही सही सही बैकग्राउंड है जो ऑटोमेटिक आपके फोटो के हिसाब से एडजस्ट हो जा रहा है। तो अगर आप इस टाइप के इफेक्ट को अपने फोटो में ऐड करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को एक बार जरूर ट्राई करना। जो इस लिस्ट में आखिरी एप्लीकेशन है उसका नाम है अल्ट्रा वॉल्यूम, और चूंकि इस एप्लीकेशन से रिलेटेड मैंने एक और एप्लीकेशन बताया था पिछले महीने के एपिसोड में जिसका टाइटल था वॉल्यूम स्टाइल, जिसमें आप अपने किसी भी डिवाइस में किसी और डिवाइस का वॉल्यूम पैनल यूज कर सकते थे, तो ये भी एप्लीकेशन उसी से रिलेटेड है। तो आपको नॉर्मली स्टार्ट पे टैप करना है, और टैप करने के बाद से यहाँ पे कुछ परमिशन ये मांगेगा आपको ग्रांटेड कर देना है। तो जैसे आप इसके परमिशन को ग्रांटेड कर दोगे तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपको स्क्रीन पे टैप करना है। स्क्रीन पे आप टैप करोगे तो आपके सामने बहुत ही अलग अलग यहाँ पे स्टाइल के वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाएंगे अलग अलग डिवाइस के, जैसे कि आप देख सकते हो एंड्रॉइड 10, MIUI, यहाँ पे आपको iOS और यहाँ पे OneUI वाला प्रो वर्जन में मिलेगा, बाकी ऑक्सीजन OS, EMUI, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कलर OS, यहाँ पे RealMe UI, यहाँ पे स्टेटस बार, नेविगेशन बार, एंड्रॉइड 8, OneUI 2, तो जो भी आपको सेलेक्ट हो आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे वॉल्यूम पैनल है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो अगर नॉर्मली मैंने यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि नेविगेशन बार में कुछ इस तरीके का वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाएगा, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे आप OneUI वाला सेलेक्ट करते हो तो आपके OneUI स्टाइल में आप देख सकते हो कि वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाएगा ऊपर स्टेटस बार की तरफ, और यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हो कलर OS वाला तो आपको कलर OS की स्टाइल में देखने को मिल जाएगा। और इस वाले एप्लीकेशन में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कलर चेंज का, अगर आप ग्रीन कलर को चेंज करना चाहते हो तो नॉर्मली सेटिंग पे टैप करो, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जो भी कलर रखना चाहते हो वॉल्यूम पैनल में, अगर आप यहाँ पे येलो रखना चाहते हो तो आप नॉर्मली येलो पे आओ, और येलो पे आने के बाद से येलो कलर को सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद से आपके वॉल्यूम पैनल का पूरा कलर यहाँ पे येलो में चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर से, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये थे टॉप 5 न्यू एप्स ऑफ दिस मंथ। आई होप ये एप्लीकेशन आपको पसंद आए होंगे, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये एप्लीकेशन आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो हमेशा नए नए एप्लीकेशन को ट्राई करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे टैप कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग टेक और कस्टमाइजेशन की वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सी यू सून।